हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। वही ऐसा लग रहा है कि शहनाज कौर गिल की राह पर चल पड़ी है माहिरा शर्मा। खैर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। बिग बॉस सीजन 13 में आपने माहिरा शर्मा और शहनाज कौर गिल को तो देखा ही होगा। शो खत्म होते होते इनके बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत भी होती थी वो भी पूरे तरीके से खत्म हो गई, ऐसा लग रहा था और ऐसा हुआ भी। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में शहनाज का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा था जो कि उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में दिया था। शहनाज ने कहा था कि वो ना ही तो बिल्कुल भी छोटे कपड़े पहनने वाली हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो इंटीमेट सीन्स देंगी। हालांकि शहनाज ने ये ज़रूर कह दिया था कि अगर स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई तो वो इंटीमेट सीन्स के बारे में सोच सकती हैं, लेकिन वो भी इंटीमेट सीन्स नहीं देने वाली हैं, ऐसा वो कहती हुई नज़र आ रही थी। यानी कि भाई ना ही तो छोटे कपड़े और ना ही इंटीमेट सीन। अब ऐसा ही बयान माहिरा का भी आ रहा है। हाल ही में माहिरा शर्मा ने एक बातचीत के दौरान कहा कि वो बोल्ड सीन करने में बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है। माहिरा ने कहा, मैं किसी भी तरह का किसिंग सीन या बोल्ड सीन करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कई वजह में से एक ये भी थी कि मेरे वेब सीरीज़ ना करने की। यकीन मानिए, यदि किसी एल्बम में सिर्फ गले लगाने का सीन भी शूट करना हो तब भी मुझे कंफर्टेबल करने में टीम को वक्त लगता है। भाई शहनाज ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि उनको ये प्रोजेक्ट्स समझ नहीं आ रहे अच्छे से। इतना ही नहीं, अब ऐसा ही कुछ माहिरा भी कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वो कई सारी वेब सीरीज़ रिजेक्ट कर चुकी हैं। वो वेब सीरीज़ का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इंटीमेट सीन्स की डिमांड। भाई दोनों ही बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट्स यही चाहती हैं कि उनको इंटीमेट सीन्स ना करने पड़े। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।